जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर नेक्स्ट भर्ती, सबके मन में एक सवाल है कि अग्निवीर नेक्स्ट भर्ती कब आएगी और उसमें क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, बहुत भाई परेशान है अपने कि भाई जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिन मतलब पहली भर्ती का पहला फेज हो चुका है, वो उनके नंबर नहीं आए हैं और जो नए बच्चे हैं और नए भाई हैं अपने, उनका एक सवाल चल रहा है कि नई भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि नई जो वैकेंसी है वो वैकेंसी बढ़ के आएंगी। अब ये कितनी बढ़ के आएंगी, 10-12% बढ़ के आने के पूरे पूरे चांस हैं। नंबर दो कि वैकेंसी आएंगी कब। दोस्तों, जनवरी फरवरी के बाद, फरवरी से पहले कोई वैकेंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जनवरी तक तो इनके जो दूसरा फेज चल रहा है उनके फिजिकल हैं, और फिजिकल के 15 दिन बाद आपकी मेरिट लगेगी, और मेरिट लगने के 7 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि फरवरी के पहले या दूसरे वीक में। अब दोस्तों, बात आती है कि बदलाव क्या होंगे। देखो, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि बदलाव क्या होंगे। बहुत से भाई बता रहे हैं कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत से भाई बता रहे हैं कि एग्ज़ाम पहले नहीं होगा, बहुत से भाई बता रहे हैं कि ऑनलाइन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक, ना कोई ऑफिशियल जानकारी है और ना ही कोई अंदर कमांड से किसी के पास जानकारी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर तैयारी अग्निवीर की कर रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एज 21 साल है, एज 21 साल ही रहेगी, 23 साल एज नहीं होने की है। 1% चांस है अगर ट्रेडमैन में आपकी एज 23 साल हो जाती है तो, परंतु अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है। दोस्तों, अब बात आती है ऐसे नेट के ज़माने में ऑफिशियली आदमी सब कुछ मानता है। सबसे बड़ी बात जो है अब की बार ये है दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी भी हो सकती है और एक मैंने मतलब एक ऐसी न्यूज़ भी हो सकती है जो आपके लिए अच्छी खुशी अच्छी बात हो, कि आने वाले समय में अग्निवीर या तो परमानेंट कर दिया जाए, या आपके लिए ये तो कंफर्म है कि अग्निवीर की वेटिंग लिस्ट अब के ऑफिशियल जारी होने के पूरे पूरे चांस है। अब वेटिंग लिस्ट है क्या दोस्तों, जो बच्चे जैसे आपका सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन के बाद आपने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं अग्निवीर नहीं करूंगा, मैं 4 साल की जॉब नहीं करूंगा, पर पता उन्हें नहीं है कि 4 साल की जॉब नहीं है अभी, ये परमानेंट होने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों। उन्होंने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ने के बाद जो वैकेंसी भरने के लिए अदर 1 या 2 नंबर या कोई कास्ट वाइज जैसे भी बचता है, तो कर्नल साहब उसे बुला लेते हैं। पहले तो बुला लेते थे ऐसे ही फ़ोन करके, अब की बार ऑफिशियल वेटिंग लिस्ट लगने के पूरे पूरे चांस है, जो कि अंदर से जानकारी मिली है। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी लगन से तैयारी करें, और जिसका फिजिकल रह रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिसकी मेरिट रह रही है दोस्तों उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।